नोएडा से रुद्रप्रयाग जा रही एक टेम्पो ट्रैवलर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई और 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद बचाव एवं राहत कार्य के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ SDRF के जवान पहुंचे। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों को एयरलिफ्ट कर हरिद्वार एम्स में भर्ती कराने का आदेश भी दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। हम घायलों की हर संभव सहायता के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। रुद्रप्रयाग में हुई घटना पर पीएम मोदी ने भी संज्ञान लिया और मृतकों के परिजन के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, तो वही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों चिकित्सा कर्मियों को उचित इलाज देने के निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि घायलों का इलाज जारी है और उनके परिवारजन को सूचित कर दिया गया है। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उसकी जांच के आदेश। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी उपचार में टीम बनाई गई है? कोई नहीं नहीं अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और काम कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और लिखा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के साथ स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी है और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।